बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त पर बनी बायोपिक जल्दी ही रिलीज होने वाली है, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। फिल्म को राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो 29 जून को रिलीज की जाएगी। संजय दत्त की इसी से जुड़ी नई नई बातें सामने आ रही हैं, जो अब तक हमें नहीं पता थी। फिल्म में वो सभी कुछ बताया गया है जो संजय दत्त के साथ घटित हुआ है, और उसे पूरा वैसा ही बनाने की कोशिश की गई है। अपने उस बुरे समय के बारे संजय दत्त ने खुद टीवी के शो में बताया है, तो आइए जानते हैं उनकी कुछ हजनी बातें। दरअसल संजय दत्त ने कलर्स टीवी के शो एंटरटेनमेंट की रात में इस बात का खुलासा किया है कि वो एक समय में ड्रग के आदि हो चुके थे। वो इस कदर ड्रग में डूबे चुके थे कि खुद को निकल पाना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने बताया, जब वो इस दौर से गुजर रहे थे तब उनके शरीर की ऐसी हालत हो गई थी कि उन्हें कोई मच्छर भी काटता था तो वो मर जाता था। यानी उनके शरीर में ड्रग जहर की तरह इस कदर फैल चुका था। इससे उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि वो किस स्थिति में पहुँच चुके हैं। इसके बाद संजय ने बताया था कि वो एक बार काफी ड्रग लेकर आए थे और घर आकर सो गए थे। वो इतने नशे में थे कि उन्हें ये भी नहीं पता वो दो दिन तक सोते रहे और नशे में ही थे। जब उन्होंने नौकर से खाना मांगा तो नौकर ने उन्हें इस बात को बताया जो उनके लिए बेहद अजीब थी। उसी के बाद संजू ने ड्रग को छोड़ने का फैसला ले लिया था और आज वो बेहद अच्छी जिंदगी जी रहे हैं।